तो आज मैं वो टॉपिक बताने लगा हूं जो फलक को नहीं पता, इसी में कि जो लोग बाहर के मुल्क जाएं इस साल एजुकेशन के लिए जाएं या जॉब के लिए जाएं या कोई भी उनके पास टेक्निकल काम है, कोई भी हुनर है, क्योंकि मेरे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन नौजवान जो 67% है उसमें 50% बेरोजगार है, जो परेशान है, जो बाहर जाना चाहते हैं, हमारे मुल्क में वसाइल नहीं है नौकरी के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं बब्बर चेरा, रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एडवोकेट, मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एम ए शहजाद खान साहब। और आपको बताता चलूं, आप लोगों के जो सवाल आते हैं उसका जवाब भी देंगे। आज का टॉपिक है, बहुत सा जो ये टाइम गुजर है 2024 में, एम ए शहजाद साहब ने दो जोडिये का बताया था, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस का, कि जिनके ऊपर पैसा आएगा। बहुत से लोगों ने फीडबैक दिया कि हाँ जी हमारे काम जो है वो ठीक हुए हैं, लेकिन अभी भी 2024 के 3 महीने हुए हैं, लेकिन अब जो टाइम गुजर रहा है इसके ऊपर जो हम प्रोग्राम आज का करने लगे हैं, क्योंकि बहुत से राजयोग भी गुजरे हैं जिसमें धन शक्ति राजयोग भी गुजरा है, उसके अलावा और भी योग लगे हैं इन्होंने, वो क्या नाम था, मौसल योग, हाँ मौसल योग का भी बताया था शहजाद साहब ने। आज के टॉपिक में ये जानेंगे कि 2024 में कौन से जोडियक साइन है जिनके ऊपर अब पैसा आने वाला है, पैसे के लिए वो परेशान थे और उनके मामला ओपन होने वाले हैं, वो बुरूज कौन से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। तो अलमास ये याद रखिएगा। जी जी शहजाद साहब, क्या कहेंगे ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं 2024? आप ये नहीं पूछ रहे अलमास कौन है, जो पिछले व्लॉग में उन्होंने तनकीद की थी, जो शहजाद साहब हर व्लॉग में उनका नाम ले रहे हैं, इन्होंने कहा है। चलें शहजाद साहब अब बताएं कि आज जब तक उनके सवाल का जवाब सॉरी में नहीं आएगा मैं लेता रहूंगा। ठीक है, वो तो कहेंगे ना सॉरी करेंगे नहीं, मशहूर होती रहूंगी नाम लेते। अच्छा शहजाद साहब, अब बताएं कि 2024 आपने स्कॉर्पियो सैजिटेरियस का कहा था कि ये तरक्की करेंगे, बहुत लोगों ने कमेंट्स किए कि हाँ जी हमारा स्कॉर्पियो है, काम रुका हुआ था, काम अब बेहतर हो रहा है, कारोबार नहीं था, कारोबार हो रहा है। और कौन से बुरूज हैं 2024, अभी तो काफी महीने पड़े हैं, जिनके रुके हुए काम हो जाएंगे, पैसा जिनके पास आएगा? देखिए जी, मैंने फलक बेटे पिछले प्रोग्राम में कुछ ऐसे साइन जोड़िक बताए थे जिनको पैसा धन आएगा, तो आज मैं वो टॉपिक बताने लगा हूं जो फलक को नहीं पता, इसी में कि जो लोग बाहर के मुल्क जाए इस साल और कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि मेरे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन नौजवान जो 67% है उसमें 50% बेरोजगार है, जो परेशान है, जो बाहर जाना चाहते हैं, हमारे मुल्क में वसाइल नहीं है नौकरी के। तो मैं आज बताने लगा हूं उन लोगों को कि जो बाहर के लिए अप्लाई करें, ये दुनिया में भी जो लोग हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके वीजे लगेंगे और कामयाब होंगे। सबसे पहले जेमिनी वाले, ठीक है, बुर्ज जोजा, मथन राशि, जिनको काफ क्यू और के से है, ये दोनों काफ से वाले, कासिम, कामरान, अब के खालिद वाला नहीं है, वो कैप्रिकॉन का है, कैप्रिकॉन के लिए नहीं मैं कह रहा, मैं जेमिनी के लिए कह रहा हूं। ठीक है, क्यू और के वाले लोग बाहर एजुकेशन के लिए जाएं या जॉब के लिए जाएं या कोई भी उनके पास टेक्निकल काम है, कोई भी हुनर है, उसके लिए जाएं, उन्हें कामयाबियां मिलेंगी। वीजे तो एम्बेसियों ने देने, डेट लंबी वही देते हैं, लेकिन मिडल ईस्ट हो या फॉर ईस्ट हो, इधर देते जल्दी मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन यूरोप, अमेरिका, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन जो है वो डेट जरा देर से देते हैं, तो इसलिए आप अप्लाई कर दें, क्योंकि आपके कुरा निकल सकते हैं, वीजे के वीजा निकल सकता है, लॉटरी नहीं है, सॉरी कुरा नहीं कहना, वीजे निकल सकते हैं। नंबर टू, कैंसेरियन, कर्क राशि, बुर्ज सरतान, एक ने मुझसे पूछा सर मेरा बुर्ज कौन सा, मैं कहा जी कैंसर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं कहा बीमारी कैंसर नहीं, सोनिया स्टार का ना है, ये सच है, ये भी 4-5 दिन पहले की बात है, मैं हंस रहा एक बंदे को, मैंने यहाँ पे हाथ दिखा रहा, मुझे तो हाथ देख रहे, मैं हाथ उठा लो पेन चुक ले, और मैं कह भाई वापस ले जा। अच्छा, तो खैर अब यहाँ पे एक लड़का था, वो सिगरेट ले रहा था, तो किसी ने कहा ये सिगरेट ना पिए एड्स हो जाती है, तो वो आगे से कहता है मुझे कैंसर वाला दो भाई। ठीक है, ये शरारती बच्चा है। अच्छा, बात ये है कि कैंसेरियन वाले
एजुकेशन से रिलेट या जॉब से रिलेट बाहर जाना चाहें, ये साल उनके लिए बेहतरीन है, उनका वीजा लग सकता है, अल्लाह के हुक्म से लग सकता है। नंबर 3, तुला राशि बब्बर शेरा, और जिसका निशान तराजू है जरा साढ़े मुल्क च नहीं गा, मैं तो लाया उतना तराजू, अच्छा लेकिन साढ़े मुल्क में तराजू नहीं है, लगे जरूर होंगे, इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा तुला राशि बुर्ज मीजान, मीजान स्केल लिब्रा, लिब्रा आर ओ टी वाले क्या है वो अप्लाई करें, जेन्युइन बता रहा हूं, सच और हक दस रहे हैं। अब ये आप अप्लाई कर दें, किसी दो नंबर बंदे को पैसे पकड़ा दें, आपको नहीं इशारा किया मैंने, वैसे ही हाथ आ गया इधर, अच्छा शीशा लगा, अच्छा किसी दो नंबर बंदे को आप पैसे पकड़ा दें और वो बंदा पैसे लेके निकल जाए और आपको 10,000 अप्लाई कर दो, भाई मैं कानून के मुताबिक अप्लाई करना, सही बंदे एक यानी कि फिर दो नंबर बंदे को पैसे ना दे देना, किसी एजेंट को ना दे देना, क्योंकि ये दो नंबर ही बहुत चल रही है। ठीक है, अच्छा तो ये लोग जा सकते हैं आरओटी वाले, आरओटी ठीक। उसके बाद एनू भी कटो यार, सैजिटेरियस नू एनू भी बाहर कटो, बाहर चला जाए, वो मार्केटिंग में जाए, जॉब्स के सिलसिले में जाए तो कामयाब, लेकिन सैजिटेरियस बिजनेस ना करे। ठीक है, बिजनेस में तो बिजनेस कर रहा हूं यूट्यूब, ओ भाई बिजनेस नहीं, तो आपका अपना ऐसा काम है ना, बिजनेस से मुराद कहीं आप बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करें, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी, वो नहीं करें, सर्विसेज दे, ये सर्विसेज दे रहा है। ओके ठीक है, तो ये मार्केटिंग करें, जहां कुछ आता हो, जहां पे आप फाइनेंस को लगाएं ना, मेहनत करें और कामयाबी लेंगे। कह रहे फेम वाले तक ऐसा ब्याह नहीं हुआ जी, ऐसे कोई रिश्ता दसो जी, और मेरे बेटे का भी वो अखलोता है, 30 साल का बेटा अखलोता है तलाखाना में, भाई उसके लिए भी कोई रिश्ता कोई चंगा जा दस दियो, अच्छा काम छाम को ठीक करता है, शरीफ बच्चा है, नमाजी भी है, तो आप हिसाब लगाए ना, आप लोगों का लगाते हैं बेटे, और मैं रिश्ता ला मेरे हिसाब की लगाए, मैं तो कह रहे हूँ शादी करनी, रिश्ता दो कुछ चंगा जा कुड़ी लग रहा, मेरा कब होगा, या तो अभी ऐसा साल ही कर रहे हैं, तो कह रहे हैं दो रिश्ता लपो, चले अब उतनी दुनिया है सारे हैं, तो बताओ कौन सा रिश्ता है, हम देखें, हम कहेंगे ओके चले, चाहिए कुछ भी नहीं हमें, ये भी साज है, और कुछ भी कहो चाहिए भी रिश्ता नहीं चाहिए, और रिश्ता चाहिए ओन जो कुछ नहीं खानू चाहिए, अच्छा जी अच्छा, उसके अलावा देखो शेख है ये तो बहुत हो गया, मैं तो भाई कुछ नहीं चाहिए था सर, मैंने क्यों कुछ मांगे नहीं, आप टॉपिक करें और इस टॉपिक चले अच्छा, चले आए जी अच्छा अच्छा, उसके बाद लिब्रा, अब लिब्रा के बाद वो हमने सैजिटेरियस कहा था ना, ये सैजिटेरियस है, अच्छा बच्चा है, ये बाहर जाना चाहे, अच्छा एक बात और बताओ, अब आप कहेंगे साहब सबको बाहर भेज रहे, अभी शहर बदलना चाह रहे हैं, सूबा बदलना चाहते हैं, बिल्कुल बदले, ये जितने लोग भी काम में बता रहा हूँ, शहर भी बदल सकते हैं, सुबह भी बदल सकते हैं, घर भी बदल सकते हैं, गली भी बदल सकते हैं, एक कार से नाला अलग कार भी ले सकते हैं, शिफ्टिंग कर ले, प्रॉपर्टी का भी कर सकते हैं, हाँ शिफ्टिंग इज गुड इस साल के हवाले से। फिर आ जाते हैं हम कुंभ राशि, कुंभ में किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, हालांकि कह रहा कि मुझे सारा आ गया नॉलेज, एक्यूरियस, एक्यूरियस ठीक, हाँ बुर्ज दलो, अच्छा शीन और सीन वाले लोग हैं, एस वाले लोग तो ये लोग बाहर जाना चाहें, इन्हें कामयाबियां हैं, इज्जत मिलेगी, सफलताएं मिलेंगी, फलूस इनका बढ़ेगा, अरबियों को भी तो बीच में बताना ना, टका मजबूत होगा, ये बंगालियों को लिखा है टका टक, और फलूस अरबियों के लिए कहा है, मनी पैसा धन हिंदुओं के लिए कहा है, रुपया साढ़े आस्ते वधेगा सोने, वाह जी थैंक यू, बात है नाज़रीन, बड़ा अच्छा शला साहब आपने नॉलेज दिया जवान को, और बाहर जाने का भी इन्होंने बोला है जरूर ये जोड़ी जाएं, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस का तो सर आपने बताया था, बहुत सारा फीडबैक उसके बारे में भी आया कि स्कॉर्पियो का टाइम लोगों के काम रुके हुए थे, और उस वीडियो के नीचे बहुत कमेंट्स ऐसे हैं, थैंक यू, अब सवालों पे आ जाएं, लोगों के सवाल आते भी हैं उसका जवाब भी हमने देना है। अच्छा जी रिजवाना कौसर, प्लीज घर लेना चाहती हूँ, तय कब तक मिलेगा, उम्र तो लिखे वो नहीं लिखा इन्होंने, आर है लिब्रा, लेकिन बात यह है लिब्रा के हवाले से मैं कह देता हूँ कि आप घर लेना चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल हो, गाड़ी भी ले सकते हो, घर भी ले सकते हो। मोहम्मद रिजवान, डेट ऑफ बर्थ 8 जनवरी 1999, क्या मैं ईयू कंट्रीज के लिए, यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई करूँ तो हो जाएगा वीजा, और ऑनलाइन बिजनेस करूँ तो कैसा नहीं? नाम क्या? रिजवान, बिल्कुल करो जी, अभी तो मैंने कहा है रिजवान, 23 अप्रैल 2003 कैरियर एंड मैरिज, वजी नाम इनका, देखिये
2003 इस साल शादी का चांस है और अच्छे घर में जॉब। कोमल जवेद 9 जनवरी 1989 मदर का नाम है शकीला बानो, प्लीज मेरा सीए की स्टडी के बारे में बता दें, इसमें कामयाब हो जाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया, अच्छा वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू एम एस शहजाद खान साहब। थैंक यू। ये मोहम्मद उस्मान है, बब्बर शेरा साहब ड्रामा ना करें। और ठीक है फिल्म देख ले फिर। गुल महक 10 जून 1998 मदर का नाम सलीमा, फ्यूचर कैसा होगा, भाई का नाम अली शान, 30 जुलाई 1995 आउट ऑफ कंट्री कब जाएगा, गुल महक नाम इनका है, अगले साल, अगले साल का टाइम अच्छा है। सुल्तान राइ स्टाइल मोहम्मद हनीफ कह रहे हैं, ओ बब्बर शेरा जिंदा रहते वसदा ते हसदा रहे, क्या बात है। पलविशा खालिद मदर का नाम सईदा शहीन, डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर 1992, पलविशा की शादी कब होगी, इससे पहले डेट ऑफ बर्थ बड़ी वो गलत। पलविशा बात ये है कि ये साल बड़ा आया है, मैं इस साल शादी हो जानी चाहिए, नहीं हुई तो 4 साल डिले। ठीक है, कुदरती फात के हवाले से शदा साहब आपने बताया था मैं किसान हूं तो मुझे बताएं क्या फसल के मामलात में मुझे प्रॉब्लम तो नहीं इस साल होगी। बात यह है कि कुदरती आफात तो बिल्कुल आएंगी, लेकिन आपने उसका निकास का जो आप पानी का निकास है उसको आप ठीक रखें, बारिश आए तो पानी वो कैसे निकल रहा है, नंबर वन। नंबर टू, ये पेस्टिसाइड्स जो है उसकी अद्वियात जो है एक नंबर लेनी है, सस्ते के चक्कर में अद्वियात जो पेस्टिसाइड है वो दो नंबर होती हैं, इनसे फसलों को नुकसान होता है। मैविश डेट ऑफ बर्थ 18/8/1987, मेरा जाती घर और गाड़ी कब तक होगी, बच्चों का नाम है जैद खुशी, जैद की डेट ऑफ बर्थ उन्होंने उसकी लिखी हुई है। मैविश 18/8/1987 जाती घर कब तक लेंगी, अगले साल का चांस है जी। थैंक यू जी। जी सर, अच्छा उनका बेटा है जैद, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7/12/2015, मेरा सवाल ये है कि बच्चों की पढ़ाई में दिल नहीं लगता और बच्चों का तालीमी फ्यूचर क्या है, हम सब बीमार रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, क्या करें। बात ये सबसे पहले अपने बिहेवियर को ठीक करो दोनों मियाँ बीवी, और घर में एक माहौल अच्छा रखो जिससे बच्चों खुश हों, मेंटली एग्नी का शिकार हो गए तो फिर उनका जब घर में डिस्टर्ब तो पढ़ना क्या। नाम है असमा बतूल, इनका नाम है, अम्मी का नाम है सवर बीबी, डेट ऑफ बर्थ है 20/1997, मेरी औलाद नहीं है, मुझे बताएं कब तक होगी, मैं बहुत परेशान। 97 लेकिन चलो इस साल उम्मीद है, नहीं तो फिर 3 साल बाद अल्लाह के हुक्म से और सुबह निहार मुँह सेब खाया करें। ठीक, दोनों मियाँ बीबी खाया करो, रात को कोई सेब नहीं खाना, कोई फल नहीं खाना। ठीक है शदा साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा टॉपिक आज हमने किया और लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दी, इंशाल्लाह ताला पामिस्ट्री के हवाले से भी टॉपिक हब हम शदा साहब के साथ करते रहेंगे ताकि नॉलेज का जो बादशाह है मैं शदा साहब आपको नॉलेज देते रहे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फलक शेख ऑफिशियल, और वज़ाइफ से मौजूदात भी है उसके ऊपर भी भरपूर नॉलेज है, जो लोग औलाद से रिलेटेड या अपने दीगर मैटर से रिलेटेड वज़ाइफ से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम भी है इंटरनेशनल पामिस्ट्री एम ए शदा, उसको भी सब्सक्राइब, उसको भी सब्सक्राइब, और इनके पापा का एक चैनल है नदीम लतीफ लतीफ ऑफिशियल, उसको भी, उसमें भी आजकल मैं ही वीडियोस कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।